हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बनाते हैं हमारी उंगलियों के लिए छोटी छोटी टोपियाँ। इसके लिए हमें चाहिए कुछ रंगीन कागज, या आप सफेद कागज भी ले सकते हो, रबर, शार्पनर, पेंसिल और एक कैंची। और हमें चिपकाने के लिए स्टेपलर या कोई गोंद की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो कागज है उसमें से एक गोल कट कर लेते हैं। ठीक है, गोल कट करने के लिए आप कंपास का यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी गोल बना सकते हैं। ध्यान रहिए, जो भी चीज का आप इस्तेमाल करें अपने बड़ों की मदद जरूर लें, ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि गोल कट करने का आसान तरीका क्या है। कोई भी चौकोन कागज लें, उसको इस तरह से एक चौथाई मोड़ लें और उसके बाद ये जो है यहाँ पर इस तरह से एक लकीर खींचिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक लकीर बना ली है। अब मैं इस लकीर के हिसाब से इसको काट लूंगी, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमको ध्यान रखना है कि काटते वक्त खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या मिल गया। ये मिल गया हमें एक गोल, है ना आसान। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक गोल के पिछली तरफ हम इसके तीन हिस्से करते हैं। एक हिस्सा, तीन हिस्से, ये वाली एक लाइन, ठीक है, दूसरी ये वाली। तो आपको बहुत ही आसान है, जो हमने चौकोन करे थे वहां पर उसके निशान हुए, तो आपने बस उसके बीच में से इस तरह से निशान लगाने हैं, ताकि आसानी से हमको उसके तीन मसावी हिस्से मिल जाए। तो अब ये तीन मसावी हिस्से मिल गए हैं, हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह से काट लिया है। आप चाहो तो छोटी टिकिया भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी टिकिया ली है। अगर आप छोटी छोटी भी लेंगे ना, तब भी बहुत अच्छे गोल बनेंगे। देखिए, इस तरह से हमने एक तिहाई हिस्सा काट लिया है। अब हमको इसकी टोपी बनाने के लिए, देखिए ध्यान से क्या करना है। टोपी बनाने के लिए हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे, ध्यान से मोड़ना है। और इस तरह से इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर हम स्टेपलर या ग्लू की मदद से इसको चिपका लेंगे। मैं यहाँ पर स्टेपलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमने इसको इस तरह से पकड़ा और यहाँ पर इसको स्टेपलर कर दिया। अगर आपको लगे कि थोड़ा लूज है, तो एक और स्टेपलर ऊपर की तरफ हम मार सकते हैं। बन गई हमारी टोपी। इसी तरह से हम तीनों की टोपियाँ बना लेते हैं। तो देखा, तैयार है हमारी टोपियाँ। चलिए हम इसको उंगली में पहनकर देखते हैं कि कैसी लग रही हैं। अरे वाह, बड़ा ही मजा आ रहा है। इस तरह से हम रंग बिरंगे कागज का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी टोपियां बना सकते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, क्या कर रहे हैं आप? हम उंगलियां हैं, हमने टोपी पहनी है। तो आप भी इस तरह की टोपियां बनाइए और अपने दोस्तों के साथ खेलिए। शुक्रिया।